शर्मा और ये मुहूर्त सकुतक डांगर खबर तो आई भारत और चीन मजद जी संघात अरुणाचल सीमान प्रसंग एतिया मुहूर्त बीजेपी सरकार विरुद्ध बीजेपी केन्द्रीय सरकार विरुद्ध सरब भूमिका ग्रहण कर आरम्भ कर मुहूर्त कांग्रेसे कांग्रेस सांसद गौरव गगोर प्रश्न जे राजनाथ सिंगे देशर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंगे सदन जी मंत्य आगे केवल निजर कथाखिन कई गल विरोधिये जी प्रश्न उत्थापन कर प्रश्न एट उत्तर निदिले केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्रीजने यह मुहूर्त सकुतक डांगर खबर आम आपको दीबाई बिग ब्रेकिंग न्यूज यह मुहूर्त भारत चीन संघातक गौरव गगोर संबदम भारत चीन सीमान विरोधी कथा नुशुनी क्य आतरी गल प्रतिरक्षा मंत्री विरोधी प्रश्न उत्तर निदिले प्रतिरक्षा मंत्री चीन सहित हुआ संघात तथ्य लुकवार अभियोग एल ए सर का चीने निर्माण कर घाईपथ बृह बृह मोबाइल टावर विभिन्न समय अरुणाचल बहु लोक अपहरण कर चीने साम्प्रदायिक और निर्वाचन राजनीतिर विपरीते देशर अखंडता रक्षा रक्षा कर गुरुत्व दियक मोदी सरकार विरुद्ध आक्रमणात्मक सांसद गौरव गगोई चीन प्रसंगत मोदी सरकारक तुलाधना दिछे सांसद गौरव गगोये आमार मंतव्य आहि परिछे एई मुहूर्तत कि कइछे गौरव गगोये आगबढ़ाइछु राजनाथ सिंह जी का बयान इतने दिन बाद क्यों आया आज 13 तारीख है घटना 9 तारीख को हुआ पार्लियामेंट कल भी था तो ये जब निकल किसी एक अखबार में एक बात आई तब जाके राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया इससे पहले किससे छुपा रहे थे आपसे देश से तो यही तो हमारा पहला हम इससे संकेत लेते हैं कि ये देश सच्चाई छुपाना चाहता है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वांचल के उस पार कितने बार बार हम बोल रहे हैं कि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है इसीलिए तो बढ़ा रहा है वो 5G टावर किसके लिए है वो आर्मी के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए है वो हाईवे रोड किसके लिए है वो आर्मी के ट्रक्स वहां पे जाएं वहां पे एक्सरसाइज हो मिलिट्री एक्सरसाइज हो इस ठंड के समय में मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो ये जो चीजें हमारे अधिकार बनता है कि देश जाने हमारे प्रश्नों के द्वारा तो ये जानकारी तो राजनाथ सिंह जी ने नहीं दी वो शायद चाहते भी हो मैं रक्षा मंत्री पे सवाल नहीं उठा रहा वो शायद चाहते भी हो ये विवरण देने का लेकिन उनकी आवाज पर भी लगाम लगाया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इसीलिए उनका स्टेटमेंट अधूरा था हमारे सवाल जायज थे 9 तारीख का ये घटना 13 तारीख को क्यों बताया पार्लियामेंट से इतने दिन क्यों छुपाया गया कल भी बता सकते थे तो इसीलिए बहुत कारणों के वजह से कांग्रेस पार्टी विभिन्न विपक्षी दल उनके स्टेटमेंट के बाद लोकसभा में हमने वॉकआउट किया।